हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में। एक बार फिर से जो मैच हम कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है कल का न्यूजीलैंड वर्सेस अफ्रीका का मैच, और कल यही स्मॉल लीग का इकलौता मैच है। बाकी ये जो जिम्बाब्वे की डोमेस्टिक लीग है इसकी लाइनअप वगैरह में दिक्कत होगी, स्मॉल लीग के लिए बहुत रिस्की मैचेज हो जाते हैं ये वाले, पर ग्रैंड लीग के लिए बहुत बेस्ट मैचेज है। और यहाँ बात करें बाकी कोई मैच है निकल, तो इस वीडियो के बारे में पूरी एनालाइज करूँगा मैं, और वीडियो को पूरा देखना कल एक ही मैच है। तो उससे पहले अगर हमारे YouTube चैनल पे नया आया तो आपको बताना चाहिए किसे फॉलो करो, क्योंकि आजकल हजारों चैनल से जो YouTube में टीम प्रोवाइड करते हैं तो आपको मुझे बताना चाहिए किसे फॉलो कर रहे हो। तो ये मेरी ड्रीम11 प्रोफाइल है, 52 पोस्ट पे जब क्लिक करोगे, मैं ड्रीम11 सिर्फ ग्रैंड लीग खेलता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक हफ्ते पहले ही हमने GL विन करी है, और कई लोग बोलते हैं कि भाई फेक हो सकता है, बट आप सर्च मार सकते हो, आजकल हॉल ऑफ फेम ड्रीम11 दे रखा है। हॉल ऑफ फेम में जाके आप वो सीरीज़ को सर्च मार के देख सकते हो कि इस टीम का इस लीग 5 लाख की लीग में कोई मेंबर जीता है नहीं जीता, देख सकते हो। यह बताने की बात थी। और यहाँ पे देखो मैंने वही पोस्ट डाली जिसमें हमारी बिलो 100 रैंक आई है, पिछले 3-4 महीने में मैं वो पोस्ट डाली थी जिसमें हमारी रैंक बिलो 100 आई। और 18 दिसंबर जो दो महीने भी नहीं 50 दिन पहले हमने एक और ग्रैंड लीग विन की थी, तो ये भी सर्च कर सकते हो। ये था अंडर 19 मैच श्रीलंका और इंग्लैंड का, तो ये वो टीम थी। तो सर्च मार सकते हो, हॉल ऑफ फेम में जाके नाम दिख जाएंगे साफ साफ। तो ठीक है, बाकी ये नए सब्सक्राइबर्स को बताने के लिए होता है कि वो किसे फॉलो करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं। तो अब आते सीधा मुद्दे। तो हमारा ये आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, यहाँ आपको स्मॉल लीग की बिल्कुल फ्री टीम मिलने वाली है, आफ्टर टॉस वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है, और काफ़ी सारे शेयर होती हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर होती है सब कुछ, यहाँ कौन से मैच में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है सब कुछ इसमें बताऊंगा मैं। और बहुत इंपॉर्टेंट आपको स्मॉल लीग की बिल्कुल फ्री टीम मिलेगी। चैनल का नाम है ड्रीम11 डॉक्टर, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है DREAM, और साथ में 11 गैप नहीं देना, फिर 11 के साथ में ही डॉक्टर गैप नहीं देना, DOCTOR। जब ये सर्च मारोगे तो आपको ऊपर दिखाई दे देगा 5.9 के दिख रहा होगा, मतलब 5900 प्लस सब्सक्राइबर्स है। इस चैनल को जाके ज्वाइन करना है, ड्रीम11 डॉक्टर नाम से। और भी फेक चैनल्स हैं उनको ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ इसे जाके ज्वाइन करना है जिसमें 5900 प्लस सब्सक्राइबर्स है। तो मेरे बताने की बात है। और उससे पहले आज करते हैं, मॉर्निंग में बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहा, तो देख सकते हो हमने ये वुमेन वाला मैच मॉर्निंग में 1-sided विन करा। और यहाँ बात करें हम, ये भी हमारा अच्छा गया। यहाँ बात करें ये भी इसका रिजल्ट आया, ये भी हमने 1-sided विन कर लिया, तो बाकी के भी रिजल्ट आने बाकी हैं। तो फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री टीम मिलने वाली स्मॉल लीग की आपको यहाँ। तो जो ग्राउंड है उसका नाम है बेसिन रिजर्व, तो यहाँ पे एवरेज स्कोर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। वुमेंस का मैच इसलिए बोल रहा हूँ मैं, मेंस का होता तो ज़्यादा देखने को मिल सकता था, बट वुमेंस के मैचेस में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसके बारे में हमेशा से कहता हूँ मैं, जैसे आपने चल ट्रेंड की मैं वीडियो में हमेशा बातें करता हूँ, ये ऐसी प्लेयर्स को बस 15 बॉलें चाहिए बड़ी इनिंग खेलने के लिए। इसी के दम की बदौलत 16 बॉल पे 34 रन 3 छक्के मारे इसने, तो इसने अपने दम पे ही मैच जिताया। तो जो जो वीडियो को ध्यान से देखता है उसने बहुत सारा अर्न किया होगा बातों को सुनकर। यहाँ बात करें हम लीजली के, तो ओपन कर रही है, थोड़ा इन और ऑफ चल रही है, कोई बड़ी प्लेयर है तो कभी वापस आ सकती है, तो एक बड़ा नाम है लीजली। बट मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि टीम के मैनेजमेंट की, लीजली अगर खिला रहे हो तो उसको विकेट कीपिंग करा रहे, त्रिशा जेट्टी को ना तुम बैटिंग करवा रहे हो, सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए टीम में रखा हुआ है, तो फिर वो वेस्ट ही है एक तरह से। बट उनकी मैनेजमेंट है, उनकी बातें हैं। तो यहाँ बात करें मैं लीजली को जाके लेना जरूर जो चाहूँगा, बट इन फॉर्म में स्मॉल लीग में थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं हम, बट एक बड़ी प्लेयर ओपन कर रही है तो एक बड़ा कभी भी ब्लास्ट कर सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेस्ट पिक रहती है आपके लीजली, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी आपके लिए ग्रैंड लीग की रिस्की टीम में बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है लीजली। यहाँ बात किया राचेल प्रिस्ट की, तो ठीक ठाक फॉर्म में चल रही है T20 में, बहुत अच्छा खेल रही है, तो इसको अपनी टीम में जरूर लेंगे। प्लस के लीजली से क्रेडिट भी कम है और तो हमें थोड़ा बेनिफिट भी मिल रहा है। यहाँ पे कैटी मार्टिन भी खेल रही है बट नीचे आ रही है, ना कोई ज़्यादा स्कोर कर रही, त्रिशा जेट्टी की बैटिंग आनी है, ओनली विकेट कीपिंग कर रही है। तो आपको जो 60 रन दिख रहे मेरे ख्याल से ये सिर्फ कैच और स्टंपिंग के पॉइंट के लास्ट 3 T20 मैचेस के। तो यहाँ बात करें सूजी बैट्स की, बात करें सूजी बैट्स को हम बात करना चाहेंगे, सूजी बैट्स इनकी जो फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आ रही है, और इसकी सबसे खास बात ये है कि इनकी ये है कि कभी बॉलिंग डालती है कभी नहीं डालती, इसका ऑन और ऑफ चल रहा है, जैसे पहले मैच में बॉल दो मैच में बॉल डाली तो आज इसने बॉल नहीं डाली, तो यही है अगर बॉल डालती तो फिर इतनी इंपॉर्टेंट बनती नहीं है। बट एक अच्छी बैट्समैन है, टिकाऊ खेलने वाली रुक के खेलने वाली प्लेयर है, यहाँ डिवाइन है, वो डिवाइन थोड़ी ब्लास्ट करके तेज खेलती है बट एक हमेशा रन मारती है, एक बहुत अच्छी ऑलराउंडर है वुमेंस की। मैंने हमेशा से कहा कि वुमेंस में तीन ही मुझे पावरफुल हिटर लगती है, एक है सोफी डिवाइन, एक है चॉलो ट्रॉइन और तीसरी है डैंड्रा डॉटिन। तो डिवाइन और चॉलो ट्रॉइन दोनों ही ब्लास्ट करके खेलती है, खतरनाक पावरफुल हिटर है वुमेंस में। यहाँ बात करें सुनील उसको, तो इसको बैटिंग ऑर्डर T20 में बहुत नीचे कर दिया गया, तो बैटिंग मेरे ख्याल से लगता नहीं कि बैटिंग इसकी आने के ज़्यादा चांसेस हैं, अगर अफ्रीका सेकंड बैटिंग करती है तो अगर इसको विकेट ना मिले तो ये वेस्ट हो जाए। इसने 3 ओवर में 2 विकेट लिया, अगर उसको विकेट ना मिले उसकी बैटिंग ना आए तो ये वेस्ट प्लेयर हो जाएगी, 80% लोगों का सिलेक्शन ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो इस बात को ग्रैंड लीग में जरूर ध्यान रख लेना,
क्योंकि इसने तीन ओवर डाले थे और इसका चांस है कि विकेट मिल गई, अगर नहीं मिले तीन ओवर में तो अगर बैटिंग में ना आए तो सीधा वेस्ट हो जाएगी और 80% में से लोगों की ये टीम में वेस्ट हो जाएगी बिल्कुल। यहाँ बात कर लें मैग्रेन डुप्रिस की, इनकी टीम के जो एक मिडल ऑर्डर में स्ट्राइक रेट ABDVS का नाम सुना है तो आपने, उसका जो काम था कि वो करता था कि मतलब रना बॉल से तेज खेलता, जैसे 100 बॉल पे 100, उसने आज तक कभी 100 बॉल से नीचे पे सेंचुरी ऊपर से सेंचुरी मारी नहीं है, मतलब उसने 100 बॉल से कमी खेली है तब सेंचुरी मारी है। तो कुछ वही रोल इसका होता है, ज़्यादा तेज खेलती है और प्लस स्ट्राइक रेट भी अच्छा खेलती है और रुक के खेलती है और आउट भी नहीं होती है, बहुत अच्छी प्लेयर है मिग्रेन डुप्रिस। अफ्रीका वुमेन की एक बहुत अच्छी प्लेयर है मिग्रेन डुप्रिस। बट इसका अफ्रीका बैटिंग सेकंड करते हैं, इसका बैटिंग ऑर्डर सेकंड होगा तो उसकी बैटिंग थर्ड ऑन बैटिंग ऑर्डर होगा तो उसका आप सोच के तो देख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ऑन आज मैरिजर ने कैप करने आई थी बैटिंग और ऊपर से चार ओवर कर रही है। तो इम्पोर्टेंट पिक आती है ये वाइस कैप्टन के लिए और कैप्टन के लिए, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिजर ने कैप। तो यहाँ बात करते हैं इसको हम ले सकते हैं अगर पहले बैटिंग करती है तो, इसको भी ले सकते हैं अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो। और लॉरा वॉलवर्ट को मैं इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि ये ओपन कर रही है, अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग कर रही है सेकंड बैटिंग कर रही है, इसकी बैटिंग आनी ही आनी है और ऐसी प्लेयर है रुक के खेलती है, ज़्यादा तेज़ नहीं खेलती तो एक रन अच्छा खास करके दे सकती है। तो हमें ऐसी ही प्लेयर चाहिए, हमें पॉइंट से मतलब है, तेज़ खेले स्लो खेले हमें इतना कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम स्मॉल लीग में ज़रूर लेके जाएंगे लॉरा वॉलवर्ट को। यहाँ बात करें चार्लोट ट्रेन की तो ये पार्ट टाइम एक से दो ओवर करते दिख जाएगी, प्लस आपको हिटिंग करते दिख जाएगा, अफ्रीका को जब जरूरत होगी हिटिंग करने की इसको ऊपर भी भेज सकती है, एक काफ़ी अच्छी क्लीन हिटर है, ऐसी प्लेयर है कि 20 बॉल पे सेंचुरी भी हाफ सेंचुरी भी कर सकती है। तो एक ऐसी प्लेयर है, आज कैटी पर्किन का मौका मिला नहीं पर आपने सुपर स्मैश फॉलो करा होगा तो सुपर स्मैश में इसने कंसिस्टेंट 50 रन मारे थे हर मैच में, बट इसको इतना मौका मिल रहा ऊपर बैटिंग हुआ करने का और उसको आज खिलाया भी नहीं। तो यहाँ बात करें ग्रीन को ले सकते हो, ग्रीन और लॉरेन डाउन दोनों ही एक ही है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ग्रीन का ये है कि इसको बिग बैश में खेलने का एक्सपीरियंस, मतलब इससे खेलती थी ये ब्रिस्बेन हिट्स वुमेन जो बिग बैश में थी उससे खेलती थी, वहाँ पे अच्छा स्कोर करती थी, तो क्रेट एडजस्ट के लिए हो सकती है, बट इनमें से चाहूँगा कि इनमें से ही लो लूस और डुप्रिस में से ही। यहाँ बात करें हम चार ऑलराउंडर ज़रूर लेके जाएंगे ये चारों, यहाँ पे सोफी डिवाइन, डैन वैन निकर्क और यहाँ बात करें मैरिजिना कैप और अमेलिया कैर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए क्योंकि ये चार ओवर करेंगे प्लस बैटिंग ये तीनों बहुत अच्छी करते हैं। इसका बैटिंग ऑर्डर नीचे है अमेलिया कैर का, बट इसकी सबसे खास बात ये है वुमेन हिस्ट्री का इसका रिकॉर्ड अगले साल तक टूटने वाला, सारे रिकॉर्ड्स के नाम क्या है जो मैं हमेशा से बताता हूँ, इसने आयरलैंड वुमेन के अगेंस्ट एक वनडे मैच में 229 रन मारते और उसी मैच में 5 विकेट भी लेते, समझ सकते हो अमेलिया कैर इज़ बिग नेम। और इसकी बहन है जो जेस कैर, आपको बॉलिंग में दिख जाएगी ये री, तो ये अगर सुपर स्मैश फॉलो करोगे दोनों बहनों का एक काम था कि एक मैच में एक बहन 4 विकेट लेती दूसरे मैच में 4 विकेट दूसरी बहन लेती, बट दोनों बहन में कंपेयर किया जाए तो अमेलिया कैर ज़्यादा बेटर है, ए कैर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत प्लेयर अच्छी है, इसको बैटिंग का मौका मिला था, अच्छी विनिंग भी खेल सकती है ये। तो यहाँ बात करें हेली जेनसन को आज मौका नहीं मिला था और यहाँ पे नदीना दिल का तो मेरे कोई चांस बनता भी नहीं, स्टार्टिंग के दो मैचों में मिला था चांस, कोई अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं। यहाँ बात करें तो हम मैं जाऊँगा कि अब आज रोजीमरी मैर को खिलाया नहीं, क्या पता कल इसको वापस हो जाए जेस कैर की जगह, क्योंकि जेस कैर को कोई विकेट नहीं मिला, रोजीमरी मैर ने जो पिछला मैच था आज जो पहला मैच था इससे उस पर 2 विकेट लेते, मुझे लगता है वापसी हो सकती है इसकी। यहाँ बात करो एबोंगा खाका को मैं जरूर लूँगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आती है, क्यों ये विकेट ले रही है हर मैच में और काफ़ी अच्छी पॉइंट्स दे के जा रही है। तो हमारी टीम ये रहेगी, यहाँ आप एक चेंज कर सकते हो, यहाँ आप कर सकते हो अगर आपको लगता है इसको विकेट नहीं मिलेगी तो यहाँ आप मिग्रेन डुप्रिस ले सकते हो, यहाँ आप एक काम कर सकते हो यहाँ लिज़ ली ले सकते हो, तो आप ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हो अपना। और यहाँ पे आप चाहो तो जेस कैर में वो क्रेडिट नहीं है मैं, नहीं तो आपके आज होली होडल्स्टन ने 2 विकेट ली थी, सरप्राइज करा था आज तुम्ही सिकन ने को आज एक ओवर दिया, मुझे बहुत शौक हुआ कि इसको एक ओवर क्यों दिया क्योंकि के T20 में कंसिस्टेंट विकेट लेके जाती है ये। यहाँ बात करें ली ताऊ को पिछले मैच में 2 विकेट मिले थे, इस मैच में 1 विकेट नहीं मिला। यहाँ बात करें शबनम इस्माइल पूरे 4 ओवर डालते देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट, डेथ में ओवर डालेगी तो विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस, तो 9 में इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा, 28% सिलेक्शन है, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना पर स्मॉल लीग में क्रिएट उसको, तो इसको कैर वैसे जो जेस कैर वगैरह से ऊपर ही प्रेफर करना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है सभी, शबनम इस्माइल एक वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर इन वुमेन क्रिकेट। तो यहाँ कैसपर्क ने पिछले जो पहला मैच होता है उसमें 2 विकेट ली थी, तो मैंने आपका सबका बता दिया कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है किसी मैच में 2 विकेट, पर आया मौका कंसिस्टेंसी का आते हुए पूरी वुमेंस में विकेट ले रही है इनमें बॉलर्स में, और ये क्रेट एडजस्ट करने के लिए कुछ प्लेयर है, बाकी मेरा मन तो इसकी यहाँ पे इसको लेने का है नहीं, इसकी जगह मेरे को मन है इन दोनों की जगह शबनम इस्माइल आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो आप ऐसा कर सकते हो, फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको हटा के आप मैडी ग्रीन ले सकते हो कि मैडी ग्रीन की बैटिंग आ जाएगी और दूसरी बात फ्री हो जाएगी, मैडी ग्रीन ले लोगे तो यहाँ पर आप ले सकते हो फिर शबनम इस्माइल, क्योंकि
लुस को बैटिंग ऑर्डर नीचे है और हमारे लिए अच्छा भी रहेगा क्योंकि शबनी इस्माइल पूरे 4 ओवर डालेगी और विकेट टेकर बॉलर है, तो ऐसा कर सकते हो आप। तो टेम्प्रेरी टीम फिलहाल ये कर सकते हो क्योंकि देखो इनका टॉप ऑर्डर भी आ गया, ली को छोड़ दे तो इनके टॉप ओपनर आ गया, फर्स्ट डाउन आ गया, सेकेंड डाउन आ गया, यहाँ से 2 बॉलर्स और आ गए। यहाँ बात करें इनकी तो यहाँ का इनका टॉप ऑर्डर भी आ गया पूरा, यहाँ बॉलर्स भी 3 आ गए। तो ऐसा कुछ ऐसा दिमाग से लगा के टीम बनानी पड़ती है कि हमारे बॉलर्स भी कवर हो, बैट्समैन भी कवर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो अगर वीडियो अगर क्या कहते हैं वीडियो अच्छी लगती हो तो यार एक लाइक मार दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन दबा दिया करो। तो बताता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस वो क्या है। कैप्टन को आंख बंद करके स्मॉल लीग में बनाना सोफी डिवाइन को, ग्रैंड लीग में भी बहुत अच्छी चॉइस यही है क्योंकि ये इतनी बेस्ट प्लेयर है, क्या बताऊँ इसके बारे में, इसको मैंने बहुत कम देखा रेयर टू फ्लॉप होते हुए। यहाँ बात करें आप रिजन कैप को कर सकते हैं क्योंकि देखो बैटिंग करने निकक से ऊपर आ रही प्लस 4 ओवर भी डाल रही है, डेथ में बॉल डाल रही है, तो ऐसा भी कर सकते हो ये कर लो। बट अभी मैं नेकक के साथ जा रहा हूँ क्योंकि नेकक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो काफ़ी लोगों का कॉम्बिनेशन स्क्वाड लीग में ये नेकक होगा क्योंकि सेकंड डाउन ही आ रहा है, ज़्यादा नीचे भी नहीं आ रही, फर्स्ट डाउन ही आ रही है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, कभी कभी ये ओपनिंग भी कर लेती है, क्या पता है इसको ऐसा मतलब चांस उतार रहा हूँ कि क्या पता इसको बिठा दे वर्ल्ड वार्ड को क्योंकि बीच में ये भी ओपन करा करती थी। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन कर सकते हो आप, स्मॉल लीग में टीम रहेगी, ग्रैंड लीग का अपना चॉइस बता दिए। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए 1 2 3 4 तो ऐसे कुछ यहाँ पे लीजल ली ट्राई कर सकते हो, यहाँ आप कर सकते हो ट्राई मिग्नन डुप्रीस, चार्लो ट्रॉइन, अब ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करे चार्लो ट्रॉइन को जरूर ट्राई करना अपनी टीम में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, कुछ है नहीं ज़्यादा बताने को, टेलीग्राम पर बिल्कुल फॉलो करो मेरे को तो आप अच्छा खासा रिजल्ट देख सकते हो, जो बोलूँ तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, और जो रिजल्ट देख भी रहे मेरे साथ सब्सक्राइबर अच्छा खासा अर्न कर भी रहे। मैच होते हैं तो ऊपर नीचे हो ही जाता है कभी कभार क्योंकि ये ड्रीम फैंटेसी है, क्योंकि इसमें आपका 5% लक कभी कभार बहुत ज़्यादा मैटर करता है, 5 से 10% लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक मार देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, बाकी मिलते हैं नई वीडियो का। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।